बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ इजाज और आप देख रहे हैं देसी नोट्स यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स जो है वो कंटिन्यू है और आज हम लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे कि व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, तो गाइज शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेचर ऑफ एनवायरनमेंट से। तो गाइज, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि एज वी नो दैट एजेंट्स, ठीक है, एक्ट्स इन एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, तो मुख्तलिफ एजेंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट उनके लिए हो सकते हैं। तो अब एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज द सिचुएशन इन विच एजेंट इज प्रेजेंटेड। ठीक है, तो जिस एनवायरनमेंट में एजेंट प्रेजेंट है, काम कर रहा है, ठीक है, किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, इनपुट ले रहा है, उसको परसीव कर रहा है, तो अब यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, उस सिचुएशन को एनवायरनमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एजेंट्स हो सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन है, रोबोट है, जो कि हमने बात की भी है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट या एनवायरनमेंट टू एक्ट इज कॉल्ड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। तो गाइस, इन एजेंट्स के डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट कहेंगे। तो कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हैं, तो अब हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो गाइज, यहाँ पे क्या है कि अगर हम रिक्वायरमेंट के लिहाज से देखें, रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिहाज से नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो ह्यूमन को एनर्जी चाहिए तो वो काएगा, ठीक है। इसी तरह रोबोट को एनर्जी उनको हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको चार्ज जो है या करंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ह्यूमन और एजेंट या इसी तरह सॉफ्टवेयर हर जगह पे इफेक्ट कर सकते हैं, हर जगह पे काम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ एजेंट्स हैं। तो गाइज, यहाँ में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और नोट्स देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, पहले डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एनवायरनमेंट हो सकते हैं। तो डिस्क्रीट एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि विन देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स एंड फिगरेबल एरिया, ठीक है, इस कॉल्ड डिस्क्रीट एनवायरनमेंट। तो अब गाइज, अगर ऐसा एनवायरनमेंट आपके पास है जिसमें फिगरेबल है, मतलब कि काउंटेबल, कोई काउंटेबल चीज़ आपके पास पड़ी है, या इसी तरह अगर आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो गेम में नंबर ऑफ, अगर आप स्नूकर गेम खेल रहे हो तो उसमें 9 जो बॉल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे 9 बॉल्स हैं, तो काउंटेबल है, ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रीट कहेंगे, डिस्क्रीट एनवायरनमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, या इसी तरह स्नोकर गेम है, मतलब हैव नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब फिगरेबल बॉल्स यहाँ पे हो सकते हैं स्नोकर गेम में। हाउ गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस के बारे में। तो कंटिन्यूस वेयर इज द एनवायरनमेंट हैविंग द कंटिन्यूस इंक्रीज भी या डिक्रीजमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड मीटर को लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आप, एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो सकता है, या तो जो आपकी स्पीड मीटर की जो लाइन, वो जो सुई है वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पे मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कंटिन्यूस एनवायरनमेंट है, या वो इंक्रीजमेंट उसमें आती है या डिक्रीजमेंट, तो ये आती जाती है। तो यहाँ पे हम इस एनवायरनमेंट को कहेंगे कंटिन्यूस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे गाइज हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट देखते हैं कि ऑब्जर्वेबल या अनऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वेयर एजेंट जो है रिकोगनाइज थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ इट्स नॉलेज बेस एंड एक्ट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। तो गाइज, हर एजेंट में एक नॉलेज बेस होता है, हम में भी एक नॉलेज बेस है, मतलब हमारा माइंड जो है वो बेसिकली एक नॉलेज बेस है, और इसी तरह नॉलेज बेस एजेंट्स का भी हो सकता है, एजेंट्स का होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद चीज़ें हमारे माइंड में चली जाती हैं, वहाँ पे पैटर्न मैचिंग होती है, उसके बाद हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो उसको ऑब्जर्व एनवायरनमेंट कहेंगे। और वाइस वर्सा कि व्हेन एजेंट्स जो है कुड नॉट परसीव एनवायरनमेंट, मतलब हमने एक जगह जो है पहली बार देखी, ठीक है, और उसमें वो एक काम हो रहा है जो कि हमने परसीव नहीं किया, तो अगर परसीव नहीं किया तो हमारे नॉलेज में इसमें नहीं है, तो इसको हम अनऑब्जर्वेबल कहेंगे एनवायरनमेंट। और यहाँ पे पार्शल डिटर्मिनेशन हो सकती है, पार्शल डिटर्मिनेशन ये कि आप किसी, मतलब एक एनवायरनमेंट में आप गए तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें पहचान ली और कुछ चीज़ें आपके पहचान से बाहर है, आपके नॉलेज बेस में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शल डिटर्मिनेशन कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे गाइज स्टैटिक या डायनामिक एनवायरनमेंट हो सकता है। अब स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या है कि एन एनवायरनमेंट इन विच मॉडिफिकेशन इज मेड बाय एजेंट्स, ठीक है। तो गाइस, ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पे
एजेंट्स मॉडिफिकेशन करते हैं, एजेंट्स अपने आप को चेंज करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं, मगर इन्वायरमेंट स्टैटिक होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता, बल्कि एजेंट्स मॉडिफाई अपने आप को मॉडिफिकेशन में मतलब करते हैं। तो इस ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इन्वायरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अ रूम विद नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, सो कॉल्ड स्टैटिक। अगर एक रूम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो पड़ी है, तो हम एजेंट्स हैं, हम उसको इधर उधर कर सकते हैं, तो चीज़ें तो अपनी जगह पड़ी है, तो उसको हम स्टैटिक इन्वायरमेंट कहेंगे। उसके बाद यार डायनामिक इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। डायनामिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट इन विच चेंजेस आर मेड, फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड डायनामिक इन्वायरमेंट। तो डायनामिक इन्वायरमेंट क्या है कि अगर आप बाजार जा रहे हो, तो बाजार में अगर आप देखते हैं तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई चीज़ बिक रही है, जो कोई फरोख्त हो रही है, तो इन चीज़ मतलब स्टेटिक नहीं है, हर कोई चीज़ जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसको डायनामिक इन्वायरमेंट कहेंगे। गाइज यहाँ पे बात करते हैं एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल इन्वायरमेंट के बारे में। तो एक इन्वायरमेंट फॉर एन एजेंट इज अथोराइज्ड टू एक्ट, ठीक है, तो एक इन्वायरमेंट के अंदर मिसाल के तौर पे आपने एक रूम पे आपने लॉक लगाया है, ठीक है, अगर आपने रूम पे लॉक लगाया है, एक बंदा आता है, एक एजेंट आता है और उसको पता है, उसको कोड पता है, वो अथोराइज्ड है, तो अगर वो लॉक को खोल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक एक्सेसिबल इन्वायरमेंट। एक एजेंट जो है वो एक्सेसिबल है किसी इन्वायरमेंट में, और अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, उसको मतलब वो अनऑथराइज है, तो उसको अनएक्सेसिबल कहेंगे। मिसाल यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिखा भी है कि अलॉक्ड रूम जो है एन एजेंट कांट एक्सेस या एंटर, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेसिबल एंड अनएक्सेसिबल है। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। सो अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन विच एजेंट जो है डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम द करंट स्टेट। तो गाइज डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि जब हम एजेंट्स क्या करते हैं, जब हम एक चीज़ को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वेरिएबल होगा, नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी, उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो जब हम ये प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो है डिटर्मिनिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सके, जिसमें हम ये देख सके कि इन्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट किस तरह होगा। मगर यार जो डिटर्मिनिस्टिक है वो बेसिकली दो तीन चीज़ों पर बेस है। किन चीज़ों पे, एक है एक्यूरेसी, एक है गारंटी और एक है नो फेलियर, ठीक है। तो तीन चीज़ों पे बेस है कि डिटर्मिनिस्टिक तभी हो सकता है जब वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, गारंटी प्रोवाइड करे, और यहाँ पे कोई भी फेलियर नहीं हो, तो तभी आपको डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट जो है बताया जा सकता है। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक वाइस वर्सा है, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि एक्यूरेसी नहीं होती, गारंटी नहीं आपको प्रोवाइड की जाती, फेलियर यहाँ पे चांसेस होते हैं, और आपको जो इन्वायरमेंट है, तो अगर आप वो गेस कर भी लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेट ये होगा, तो उसमें चांसेस बहुत चांसेस जो है वो कम होते हैं, ठीक है, कि वो होगा या नहीं होगा, तो उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेट का नहीं पता। तो गाइज यहाँ पे एपिसोडिक और नॉन एपिसोडिक इन्वायरमेंट हो सकते हैं। एपिसोडिक किस तरह है कि सच इन्वायरमेंट इन विच देयर आर सीरीज या सीक्वेंस ऑफ थिंग्स फॉर एजेंट टू डू, ठीक है। तो एपिसोडिक इस तरह है कि एक एजेंट आता है और वो सीक्वेंस से काम करता है, सीक्वेंस उसमें है, परसेप्ट सीक्वेंस उसका बना है, और वो सीक्वेंस से एक एक चीज़ को जो है काम कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है, टीक चीज़ों को टीक कर रहा है, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को हम क्या कहेंगे, एपिसोडिक एनवायरनमेंट कहेंगे। अब एपिसोडिक इस तरह है कि मिसाल के तौर पर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स लगे हैं, अब मशीन्स सेम चीज़ को बार बार बनाते हैं, सेम चीज़ बार बार बनाते हैं, तो अब ये क्या है, ये एपिसोडिक है। अब यहाँ पे गाइस सीरीज ऑफ एक्शन विल बी टेकन, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, अगर हम करें सॉर्टिंग आप कर सकते हैं, मतलब एक सीरीज ऑफ एक्शंस के साथ आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और इसी तरह ऑन द अदर हैंड नॉन सिक्वेंशियल टास्क फॉर एजेंट टू डू इज कॉल्ड नॉन एपिसोडिक। तो नॉन एपिसोडिक का मतलब यह है कि नॉन सिक्वेंशियल टास्क है, ठीक है। नॉन सिक्वेंशियल टास्क ये है कि आपको पहले ये करना पड़ेगा, मतलब रैंडमली आपको टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, एजेंट्स को टास्क रैंडमली परफॉर्म करने पड़े, तो उसको नॉन एपिसोडिक जो है हम कहेंगे, ठीक है। मतलब कि ये वहाँ पे कोई सीक्वेंस ना हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।